यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की बात करें जहां पर कई हिस्सों में एक हफ्ते के अंदर बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए और जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर के अंदर जो सामान रखा था पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। और ऐसे में अब देखिए, लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग छतों के ऊपर जाके रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए, नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपना सामान लेकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो बारिशें, कहा जा रहा है कि अभी ये रुकने थमने वाली नहीं है, हालात इसी तरीके से बने रहेंगे। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, आप पूरे देश भर के हालात देखिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, गुजरात में तस्वीर देख लीजिए, राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ पर भी इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं,